फॉर्मूला लिखाए हुए थे और लिक्विड प्रेशर क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है ये तो लिखा दिए थे, बस एक बार रिपीट करते हैं फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर समझा रहे हैं। फॉर्मूला लिखे हुए थे एच रो जी, दैट इज कोई भी कंटेनर पर यदि हम किसी लिक्विड को रखते हैं तो वो लिक्विड के वेट के कारण बॉटम पे प्रेशर अप्लाई होगा, यूनिट सरफेस एरिया पे लिक्विड का जो वेट एक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड प्रेशर। लेकिन सिर्फ बॉटम पे एक्ट नहीं करता है, कंटेनर के वॉल्स पे भी प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर जो है सेम लेवल पे हर जगह पे सेम होता है, ये प्रॉपर्टी है। बॉटम कंटेनर के बॉटम में तो प्रेशर एक्ट होता ही है, साथ ही साथ वॉल्स पे भी होता है, ठीक है। और कितना लिक्विड प्रेशर होगा वॉल्स पे या फिर बॉटम पे, तो वो डिपेंड करेगा तीन चीजों पे। एच, एच का मतलब डेप्थ, याद करना हम समझाए हुए थे। कोई यदि कंटेनर को हम लिक्विड से फिल कर देते हैं पूरी तरह से, और यदि हम एक होल करते हैं यहां पे और एक होल करते हैं यहां पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट, तो यहां पे डेप्थ कम है और यहां पे क्या है, डेप्थ ज्यादा है। डेप्थ मतलब हम लोग ऊपर से लेते हैं डेप्थ ए के लिए, डेप्थ बी के लिए। तो डेप्थ जब ज्यादा रहेगा तो लिक्विड प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस यहाँ पे ज्यादा प्रेशर के साथ लिक्विड फ्लो करेगा और यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो करेगा इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो पहला फैक्टर है डेप्थ, दूसरा फैक्टर है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बताए हुए भी हैं फर्स्ट चैप्टर में, मतलब जो लिक्विड है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम में 1 cm³ वॉल्यूम में उसका मास कितना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी का जो लिक्विड है वो क्या है, मरकरी। मरकरी एक मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में होता है। यदि हम कंटेनर में पानी रखें और दूसरे कंटेनर में मरकरी रखें तो मरकरी का वजन ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर डेंसिटी, इट मींस डेंसिटी लिक्विड का ज्यादा होगा तो लिक्विड प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी लिखाया हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है जिसके कारण ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा। और एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज करता है, अप्रोक्स 10 m/s इन एवरी सेकेंड। तो अर्थ सरफेस में जी का वैल्यू कितना है, स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो है एग्जैक्ट है 9.8 m/s², लेकिन हम लोग अप्रोक्स ही लेते हैं, 8 क्लास में उतना एग्जैक्ट लेके आपको जरूरत नहीं है, 9 क्लास में जब जाओगे तो इसका और ज्यादा जरूरत हो। तो जी का हम लोग वैल्यू लेंगे 10 m/s². तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां कहां डिफर करेगा, तो प्लैनेट पे, यदि हम दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो जी का वैल्यू अलग होगा, मून पे जाएंगे तो जी का वैल्यू जितना यहां पे है उसका 1/6 होता है, 1/6 9.8/6 होता है मून पे, अप्रोक्स 1.6 के करीब होगा। कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 6 × 1 = 6 और 3 × 6 = 36 क्यूब, तो ये है अप्रोक्स 1.63 m/s स्क्वायर, ठीक है। तो मून पे जो है लिक्विड प्रेशर बहुत कम होगा, यहाँ पे जितना लिक्विड प्रेशर होता है कोई कंटेनर पे, मून पे उसका 1/6 होगा, ठीक है। तो एक फैक्टर लिक्विड, एक फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और एक फैक्टर क्या है, डेप्थ। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट। कुछ पूछना है,
बोलोगे? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं, फिर हम समझाते हैं। ध्यान दोगे, देखोगे जिस तरह से हम बोले कि लिक्विड किसी कंटेनर पे जब हम लोग रखते हैं तो उसके वेट के कारण, लिक्विड के वेट के कारण क्या करता है, बॉटम पे प्रेशर लगाता है, कंटेनर के दीवार पे प्रेशर लगाता है। इसी तरह से आप एज्यूम करो कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एयर का एक स्फीयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर को डिफाइन कैसे करते हैं, द स्फीयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फियर। एक तरह से एक स्फीयर की तरह का शेप बना रहा है अर्थ के चारों ओर, और जो एयर से पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमोस्फियर। अब देखो एज्यूम करते हैं कि अर्थ सरफेस में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, फोर्स योर परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो एज्यूम करते हैं कि ये जो हम लोग जमीन पे खड़े हैं, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इससे ऊपर जितना भी हवा है, इसके ऊपर का जितना भी हवा है, ये पूरा एयर का जो कॉलम है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसके ऊपर जितना भी एयर है पूरा, तो एक एयर कॉलम बनेगा। इस एयर कॉलम का हम लोग को पता है एयर मैटर में ही हम लोग डिस्टिंग क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसका मास है, जब मास है तो इसका वेट भी होगा। तो इस एयर कॉलम के कारण, इसका जो अपना वेट है, वेट के कारण जो यूनिट सरफेस एरिया में
जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। और चूंकि यहाँ पे एटमोस्फियरिक एयर के थ्रू प्रेशर लगाया जा रहा है, वेट उसका एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, और ध्यान देना एटमोस्फेरिक प्रेशर जो मेजर करते हैं, इसके लिए मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। हालांकि बैरोमीटर का फंक्शन जो है किस तरह से फंक्शन करता है ये आप पढ़ोगे आगे 9th क्लास में सिलेबस में है। और कई टाइप का बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर पढ़ोगे, 14 बैरोमीटर पढ़ोगे, एंड्रॉयड बैरोमीटर पढ़ोगे, आप सिलेबस आपके सिलेबस में। लेकिन अभी तो बैरोमीटर के बारे में नहीं है। एक्चुअल में ये है बैरोमीटर में किस कॉन्सेप्ट पे है, किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है हम बता रहे हैं, ताकि आप समझ सको कि बैरोमीटर में ये सेंटीमीटर में रीडिंग क्या लिया जाता है। ठीक है, देखो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। बैरोमीटर में क्या किया जाता है, एक इस तरह का कंटेनर होता है, और कंटेनर में यहाँ पे जैसे मरकरी रखा हुआ होता है, और एक कॉलम होता है, एक ट्यूब इस तरह का लगभग 1 मीटर का, और इस ट्यूब में कुछ भी नहीं होता है, एयर भी नहीं है। एयर जब नहीं है दैट इज वैक्यूम। मतलब यहां यदि आप बात करो, यहाँ पे कोई भी प्रेशर एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे एयर भी नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रेशर एक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, साइड साइड में तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमोस्फेरिक एयर अपने वेट के कारण इसको प्रेस कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जिस कारण से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही कारण क्या होता है, यहाँ का जो मरकरी है वो राइज करता है, राइज करता जाता है। और राइज करता है कब तक, तब तक वो राइज करेगा मरकरी का लेवल, जब तक ये जो मरकरी का कॉलम होगा इसका पूरा वेट, इसका पूरे वेट के कारण यहाँ बेस में जितना प्रेशर एक्ट करेगा, आई रिपीट, मरकरी कॉलम का जो वेट होगा उस कारण से यहाँ जो प्रेशर एक्ट करेगा, दैट इज यूनिट सरफेस एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जितना फोर्स एक्ट करेगा वो प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये ऊपर राइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखा गया बैरोमीटर में कि कब कितना मरकरी का लेवल कितना राइज होता है, उसके बाद राइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर एक्ट कर रहा है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसीलिए पाया गया कि जब 76 सेंटीमीटर का ये 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम जब राइज करता है, तो वो उसके बाद और राइज करना बंद हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, बिल्कुल उतना ही होगा जितना 76 सेंटीमीटर हाइट का एक मरकरी कॉलम अपने बेस पे प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इन HG कॉलम। समझ गए बैरोमीटर किस तरह से फंक्शन करता है और 76 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग है, यदि दिक्कत है तो बताओगे। यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। लिए लिए हो गया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर, देखोगे यदि ये पूछा जाए
हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर? अब किस तरह से शो करोगे कि एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे बोलो या फिर एटमोस्फियर पे, कैसे आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? एनी आइडिया? एक एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या किया जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, लिख देते हैं। देखो किस तरह से हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखोगे क्या करते हैं, एक कंटेनर लिए, कंटेनर होना चाहिए मान लो टीन का, कोई मेटल का, मेटल दैट इज गुड करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, टीन का पतला पतला फॉइल का बना हुआ, उस तरह का हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, पानी उसमें कुछ डाल दिए, फुल नहीं करना है थोड़ा सा। अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करके आप पूरा का पूरा पानी उड़ा दो, ठीक है। और जब आप पूरा का पूरा पानी उड़ा देते हो, हालांकि यदि सारा नहीं उड़ा कुछ भी रह भी गया फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जब गर्म करना है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो एयर था वो हवा तो निकल गया। अब जब इसको आप बॉइल करके वेपर यहां से निकल रहा था, अब क्या करो, कंटेनर का जो माउथ है उसको आप बंद कर लो, इसको लीड से क्या कीजिए, बंद कर दी, एक ढक्कन से बंद कर दिया इसको। अब आइस कोल्ड वाटर इसमें डालो, आइस कोल्ड वाटर, मतलब काफी ठंडा पानी, काफी ठंडा पानी जैसे ही आप डालोगे तो ये जो कंटेनर जो काफी गर्म था क्योंकि इसको गर्म कर रहे थे आप, तो अब क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, मतलब अंदर में जो वाटर वेपर था, एयर तो बिल्कुल नहीं, वाटर वेपर जो यहाँ पे था पूरा का पूरा पानी हट गया, अब अंदर में क्या था, वाटर वेपर। जैसे ही हम पानी डाले ये काफी ठंडा हो गया, और वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस कर जाएगा, दैट इज लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लो कि लिक्विड थोड़ा सा बन गया, वो वाटर वेपर थोड़ा सा लिक्विड बन गया। अब यहाँ पे तो देखोगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एयर नहीं है, अब यहाँ पे एयर नहीं है मतलब वैक्यूम, देयर इज नथिंग इन दिस कंटेनर एक्सेप्ट अ लिटिल वाटर। तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे जब वैक्यूम है मतलब यहाँ कंटेनर पे तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अब क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बाहर से जो लग रहा है, एटमोस्फियर का जो प्रेशर बाहर से लग रहा है, जिस कारण से ये जो कंटेनर है वो क्या होगा, क्रस्ट हो जाएगा, पूरा दब जाएगा। क्यों दब रहा है, क्योंकि इधर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है और एटमोस्फेरिक प्रेशर उधर से दबाया जा रहा है, जिस कारण से क्या है वो क्रस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये यदि इस तरह पर, इस पर आउटसाइड से यदि प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो किस कारण से लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, क्या ये लिख लोगे ये क्वेश्चन, बताओगे? हाँ जी लिख लोगे ना, हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। मिटा रहे इसको,
अब चलो हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। देखो एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि कोई एक माउंटेनियर पर्वतारोही पर्वत चढ़ने वाला, तो यदि वो अच्छे तरह से ट्रेनिंग नहीं लिया है, उस तरह का शरीर उसका अडेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये देखने को मिलता है कि या हम लोग यदि जाए तो काफी एल्टीट्यूड हाइट पे यदि हम चल जाते हैं तो पाओगे कि नोज से नाक से ब्लीडिंग होने लगेगा, कान से ब्लीडिंग होने लगेगा। क्यों? आंसर कर सकते हो? आंसर यदि आता है तो बताओगे? देखो क्या होता है, एक्चुअल में ध्यान दे रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी एक आदमी लगभग 400 केजी का 400 केजी के ऑब्जेक्ट को वो कैरी कर रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे हेड पे या शरीर पे इतना ज्यादा लग रहा है कि हमारा हेड की यदि बात करो तो पूरे सरफेस एरिया जो हेड का होगा, एक अंदाजा लगाया गया है कि हमेशा दो छोटा हाथी क्या वेट के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारे हेड पे फोर्स लगता है, वेट लगता है, फिर भी हम लोग कैरी करके चल लेते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उधर से अप्लाई हो रहा है, हमारे हमारा बॉडी भी इधर से कोई प्रेशर अप्लाई करता है। ध्यान देना कौन सा, ब्लड जो सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स पे, तो जिस कारण से ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा है, जिस कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर, जिस कारण से हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं होता, फील नहीं होता है। लेकिन यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाए तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जैसे ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर का लेयर यहां तक, यदि हम यहां पे चलाए, इसका मतलब क्या है, इतना एयर का कॉलम का वेट एक्ट करता हमारे शरीर पे नीचे होते तो, लेकिन हम ऊपर चले आए हैं, माउंटेन काफी ऊपर चले आए हैं, इसका मतलब क्या है, एयर का जो कॉलम है उसका वेट, बस इतना ही वेट तो हमारे शरीर पे लग रहा है ना, माथे पे लग रहा है ना, तो जिस कारण से जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर उधर से जो अप्लाई हो रहा है हमारे शरीर पे ये कम हो गया, लेकिन ब्लड प्रेशर तो वही है। तो इस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाई प्रेशर ऑब्जेक्ट दैट इज लिक्विड, लिक्विड या गैस, कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जिस कारण से ब्लड इधर से ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है और बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए ब्लड फ्लो करने लगता है अंदर से बाहर की ओर, एक रास्ता खोजता है बाहर निकलने के लिए, और रास्ता कहां मिलता है, नोज से ईयर से। तो इस कारण से क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, माउंटेनियर्स वगैरह को ब्लीडिंग होने लगता है नाक से, ठीक है, कान से, तो यही रीजन है। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए जी, समझे या नहीं समझे?
चलो ठीक है, हम लिखा देते हैं। हाँ सर, आंसर कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए? यस सर, हो गया। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह यदि हम लोग क्या करते हैं स्ट्रॉ से पीते हैं, हम लोग सर्व करते हैं तो स्ट्रॉ के थ्रू क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक अंदर जाता है। किस कारण से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप बोलोगे यदि ऐसा कंफ्यूजन है आप लोग में
कि सर हम लोग सक कर रहे हैं मतलब अपनी ओर पुल कर रहे हैं थ्रू द माउथ, तब लिक्विड ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक मार्केट में आता है लीची जूस करके, फ्रूटी जैसा पैकिंग में, इस तरह का क्यूबॉइडल शेप का पैकिंग रहता है। उसमें देखना कि जो होल करने के लिए दिया होता है स्पेस, वो थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक पेपर जैसा होता है। आप स्ट्रॉ जब डालते हो, यदि स्ट्रॉ पूरी तरह से टाइट है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है यहाँ पे, आप इसको क्या करना, खींचना, सक करना टू ड्रिंक द जूस, ऊपर की ओर नहीं आएगा, दिक्कत होगा। ये फील करना, यदि किया हो तो बढ़िया। फिर क्यों नहीं ऊपर आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो जूस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता तो ये क्या करता है, इसको पुश करता है नीचे की ओर, पुश करता तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता, ऊपर की ओर राइज करता। लेकिन यहाँ पे एयर का कॉन्टेक्ट नहीं है, बाहर के एयर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा। वैसे ही हम क्या करते हैं, होल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मतलब स्टॉक को थोड़ा सा मूव करते हैं, बड़ा हो जाता है, एयर इंटर करता है अंदर की ओर, सक करते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है, जो लिक्विड है या जूस है वो क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी पाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए, दिक्कत है बताओ। एनी डाउट? नेक्स्ट देखोगे, एक आता है हैंगर कपड़े वगैरह टांगने के लिए, रबर सकर के फॉर्म में, इस तरह का एक होलो स्फेयर होता है रबर का, स्फेयर नहीं, हेमी स्फेयर। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, प्लेन सरफेस, जैसे वॉल पुट्टी वाला दीवार वगैरह में, इस तरह से क्या करते हैं, हम इसे रख देते हैं और इसको चिपकाते हैं, दबा देते हैं इसको, इस तरह से पूरा सा प्लेन हो गया। इसके बाद फिर जो रबड़ सकर होगा वो अपना सेप लेगा, इस तरह से फिर हो गया ये। अब क्या है, अंदर में जब दबा दिए था तो सारा का सारा एयर निकल गया, अंदर में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम, दैट इज इधर से कोई प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इधर से एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, जिस कारण से इसको यदि आप कितना भी खींच लो हटने वाला नहीं, वो तभी हटेगा जब एयर इंटर करेगा, एयर फील होगा वहां। तो अब उसमें हैंगर जैसा लगा हुआ होता है, कपड़े चार पांच कपड़े भी टांग दो, जींस वगैरह भारी चीज भी टांग दो, वो गिरता नहीं। तो यहाँ पे भी किसका, किस फोर्स के कारण वो लटका हुआ है, चिपका हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और चलो एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। देखोगे सिफॉन सिस्टम बोलते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि क्या है, कि यदि हम एक बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर है, मान लो कि इसमें किरोसिन है, किरोसिन का ड्रम वगैरह देखते होंगे, और हमको इस पर 5 लीटर या 10 लीटर एक गैलन में हमको भरना है, 10 लीटर का गैलन है, इसे हमको 10 लीटर फिल करना है। ठीक है, तो देखते होंगे पाइप लेता है कोई, एक आदमी क्या करता है, पाइप लेता है और पाइप से इस तरह से ये कनेक्ट करता है, सिर्फ रख देने से गिरेगा नहीं, पाइप से क्या किया जाता है, पाइप को पहले सक किया जाता है, मतलब वहां का जो एयर है सक करके क्या किया जाता है, ले लिया जाता है अपने अंदर, मान लो कि लंग्स में चला गया, तो यहाँ का जब एयर जब खत्म हो गया, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये जो कंटेनर होगा उसमें कम से कम और एक होल होना चाहिए, इधर और एक होल, एक होल इसलिए है ताकि एयर का कॉन्टेक्ट बना, यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर जब लग रहा है तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे वैक्यूम है, तो इधर कोई प्रेशर नहीं, तो हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, लिक्विड राइज करता है, दैट इज किरोसिन राइज करता है, और इस तरह से यहाँ पे गिरने लगेगा, यदि हम इसको यहाँ पे ले आए तो इस तरह से गिरने लगेगा। ठीक है, तो इसको सिफॉन सिस्टम बोलते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है किस कारण से, पुश किया जा रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण, और लिक्विड फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, समझ रहे हो? बुक अपना देख सकते हो, बुक में कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख देते हैं पहले, फिर हम समझा रहे हैं इसको। देखो स्टेटमेंट को लिख दिए हैं, ठीक है, समझो क्या है ये। करना एक गैलन पानी दिए, मान लो पूरा का पूरा भर दिए। आप सपोज एक गैलन पानी, दो एक दो गैलन पानी वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, ये बाल्टी बड़ा सा बकेट फुल ऑफ वाटर, एक जग लिए और पानी को डुबोए इस तरह से, और जग को क्या किया आप नीचे तक ले गए कंटेनर। अब इसको जब आप उठाओगे तो आपको पानी तो भर गया है उसमें, पानी का वजन आपको फील नहीं होगा, बहुत हल्का लगेगा, यहां तक लाओ हल्का लगेगा, लेकिन इससे आप ऊपर, इससे और ज्यादा ऊपर ले जाओ, अब भारी फील होगा। मतलब एक लीटर का यदि जग है, लगभग 1 kg के करीब उसका मास होगा, 10 N का फोर्स वेट नीचे की ओर लगना चाहिए, लेकिन जब आप इसको आप मूव कर रहे हो तो फोर्स ना के बराबर लगता है, बहुत कम लगता है। हाँ, सरफेस से ऊपर आप जब निकाल रहे हैं, यहाँ के बाद आप ऊपर ले जा रहे हो, तब आपको वेट इसका फील हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो देखो, कभी भी कोई फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब क्या, लिक्विड या गैस, हालांकि यहाँ पे हम लोग लिक्विड के ही बारे में डिस्कस करेंगे, चलो लिक्विड बोल लेते हैं। कभी कोई लिक्विड में
कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि डुबाया जाए पार्शियली और फुल्ली, पार्शियली का मतलब कुछ हिस्सा डूबा या हो सकता है पूरा डुबा दो, तो उस ऑब्जेक्ट में ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। ऊपर की ओर लिक्विड एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बोलेंगे अपथ्रस्ट। ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। याद करना है, थ्रस्ट के बारे में बताए हैं, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। अब इसलिए बोले क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसलिए नाम है इसका अपथ्रस्ट, या अपथ्रस्ट का एक दूसरा नाम है पॉइंट फोर्स। तो कभी भी कोई लिक्विड को, कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में जब हम सबमर्ज करते हैं, थोड़ा सबमर्ज करो या ज्यादा सबमर्ज करो, तो क्या होगा, लिक्विड जो है उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट का वैल्यू कितना होगा, तो ये जब डूबेगा, समझो जब मान लो कि एक लीटर का जग हम उस पर डुबाए, मतलब एक लीटर पूरा अपने वॉल्यूम के बराबर, वो क्या करेगा, लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, यहां से समझ सकते हैं। चलो इस कंटेनर में ऐसा सोच रहे हैं, कंटेनर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, एक लकड़ी का टुकड़ा छोड़े, इतना पार्ट डूब रहा है, तो जितना वॉल्यूम का पार्ट डूब रहा है, जितना हिस्सा डूब रहा है ऑब्जेक्ट का, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पानी तो पूरा भर दिए थे। अब इतना पोर्शन जैसे ही डूबा, तो इस वॉल्यूम के बराबर लिक्विड क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा। और ये जो लिक्विड गिरा, डिस्प्लेस्ड हुआ, ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो होगा, इसका जो भी वेट होगा, मान लो कि ये 1 kg का है, तो हम इसका वेट कितना हो जाएगा, W=mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W=mg। तो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg का लिक्विड जैसे डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका वेट कितना होगा, 1 × 10, दैट इज 10 N। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, उस लिक्विड का जो भी वेट होगा, कितना आ रहा है, 10 N, मतलब इस पर एक 10 N का फोर्स लगेगा। और ये जब फोर्स लगता है, अब थ्रस्ट लगता है, यदि अब थ्रस्ट ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाए, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लगता है जिसके कारण वो डूबना चाहता है, लेकिन अब थ्रस्ट यदि ऊपर की ओर लग गया, लग रहा है, और अब थ्रस्ट वेट ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल यदि हो गया, तो बैलेंस कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट वो फर्दर नहीं डूबेगा, तो ये फ्लोट करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, ये भी याद रखो कि जब अपथ्रस्ट, ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है नीचे और अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर, जब अपथ्रस्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को वेट को बैलेंस करेगा, जब बैलेंस कर देता है तो वो फ्लोट करता है, और जब बैलेंस नहीं कर पाता है कि अपथ्रस्ट कम लग रहा है वेट ज्यादा है, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। और किस केस में ये होता है, जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो। यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड मान लो वाटर है, वाटर के डेंसिटी से यदि कम है तो तैरेगा, और वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। ठीक है, तो यही दिखाए हुए हैं, देखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन एनी फ्लूइड पार्शियली और फुल्ली, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाते हैं, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और वह फोर्स कितने के बराबर होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इसके इक्वल होगा। ठीक है रमेश सर, रमेश सर, हाँ हाँ,